बीएचओ मालवीय भवन से खेलो इंडिया के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। बीएचओ में भी खेलो इंडिया का आगाज हो गया। इसी के तहत प्रोफेसर बाला लखेंद्र की देखरेख में मालवीय भवन से एक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई, जो विश्वनाथ मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। इसी कड़ी में प्रोफेसर बाला लखेंद्र ने बताया कि जो खेलो इंडिया चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश में चार जगहों पर होना है, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा है। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जिमखाने में दो प्रतियोगिताएं होंगी, एक योग और दूसरा कुश्ती की प्रतियोगिताएं होनी है। इसमें लगभग 400 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, इसका उद्देश्य है कि विश्वविद्यालयों को खेल से जोड़ा जाए और अधिक से अधिक बच्चों को खेल के लिए प्रेरित किया जाए। और ये जो अभी चल रहा है खेलो इंडिया, ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहा है पूरे देश में, तो उसका उत्तर प्रदेश में चार जगह ये कार्यक्रम होना है, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में होगा। वाराणसी में यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में जिमखाना में यहाँ पर दो गतिविधियाँ होंगी, दो खेल के कार्यक्रम होंगे। एक तो हमारा हमारा योगाभ्यास का है और दूसरा कुश्ती का है। इसमें लगभग 400 से ज़्यादा खिलाड़ी पूरे देश से इसमें भाग ले रहे हैं। और ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसका उद्देश्य यह है कि विश्वविद्यालयों के बच्चों को गेम से जोड़ना, खेल से जोड़ना और अधिक बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित करना। और जैसा कि हमारे मंत्री ने भी घोषणा की है, आधा घंटा देश को, आधा घंटा देह को। खेलेगा भारत, बढ़ेगा भारत, जीतेगा भारत। तो इसी उद्देश्य से आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये आज रैली निकाली गई, एक मशाल यात्रा जो आज पहुंची है बनारस, उसके स्वागत के लिए। और आज 1:30 बजे से एक कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनके स्वागत के लिए हमारे स्वतंत्रता भवन में। हम ये कहना चाहेंगे अपने युवा दोस्तों से कि जब हम सब मिलकर खेलेंगे, हमारा देश बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे खेल होते हैं, उसमें भारत का नाम रोशन होगा। और यही हमारा आत्मविश्वास भी है और हमारे भारत के युवा ये कर सकने में सक्षम है। आज खेलो इंडिया के लिए एक कैंपेन चला है मसाल के लिए, जो कि इस बार देश के चार सिटी में हो रहा है, एक वाराणसी उसमें से है। और 2018 में खेलो इंडिया आया था, वो पहली बार न्यू दिल्ली में हुआ था। और खेलो इंडिया के थ्रू बहुत से प्लेयर हैं जो आगे निकल कर आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और जिनका खेलो इंडिया में प्लेस होता है, उनका स्कॉलरशिप भी मिलता है और जॉब की चांसेस भी होती है। ये मसाल हमें लोगों को प्रेरित करने के लिए निकाला गया है, ताकि वो फिट रहें और अपने पूरे 24 घंटे का कम से कम 1 घंटे समय खुद को फिट कर रखने में दें। मसाल भी आ रही है उसके स्वागत के लिए। यहाँ के डीएम है, वो एक कल्चरल प्रोग्राम रखा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम, वो 2 बजे से होने वाला है और फिर वहाँ पे लास्ट हो जाएगा।